आज एक ऐसे इश्यू पे हम बात करना करने जा रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत दिल में है तो इंसान रो उठेगा। गुजरात में विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने कुछ इन्फॉर्मेशन के आधार पे जब सवाल करे और हकीकत सामने आई तो पूरा देश चौंक उठेगा कि गुजरात में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट सरकारी अस्पतालों में है, जहां पे तुरंत जन्मे हुए बच्चों की जो भी हेल्थ की इश्यूज है उनको ट्रीट किया जाता है। और इतनी लापरवाही बताई गई, कोई केयर नहीं ली गई, और सिर्फ दो साल में जो विधानसभा में आंकड़ा दिया गया 15,000 से ज्यादा बच्चे गुजरात में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में 15,000 से ज्यादा बच्चे मरे। हर दिन का आंकड़ा देखो आप तो हर रोज सिर्फ ये सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में 20 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ते हैं। हमने खुद वहां पे कुछ एक्सपर्ट से बात की तो बड़ी बात यह सामने आई कि बिल्कुल इस सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट के लिए कुछ गाइडलाइन बनी हुई है, हेल्थ पैरामीटर्स के हिसाब से इसको एक सर्कुलर भी लगा हुआ है कि एक बेबी जहां है उससे 3 मीटर के फासले के बाद ही दूसरी बेबी को रखना चाहिए ताकि एक दूसरे का इन्फेक्शन एक दूसरे को ना लगे। हमने वहां पे पाया, कुछ फोटोग्राफ्स भी निकाले, एक बच्चे के बिल्कुल बगल में दूसरा बच्चा लगा दिया जाता है जैसे कि इसकी जान की कोई परवाह ही ना हो, और उसी वजह से अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन है बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन लग जाता है। और सिर्फ दो साल में 15,000 से ज्यादा बच्चे मरे। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि स्टंट करने के लिए प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो स्टेट्समैन होने चाहिए, स्टंटमैन नहीं। अगर जहां से पहली बार चुनाव जीत के गए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रही प्रधानमंत्री जी की, पार्लियामेंट में भी विधानसभा में भी वहीं से रहे, उसी अहमदाबाद जहां से गृह मंत्री अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, उस अहमदाबाद में 4,322 बच्चे, ऑलमोस्ट जो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में एडमिट हुए थे उसके 50% बच्चे, आप कहीं का भी आंकड़ा निकाल लोगे तो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में पहुंचने के बाद अगर 50% बच्चे दम तोड़ देते हो, ऐसा नहीं होता है, पर ना प्रधानमंत्री भावुक होते हैं इन बच्चों के लिए, ना गृह मंत्री की आंख में आंसू या दर्द दिखाई देता है। तो ये पूरे देश में हम ये बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह से वहां चल रहा है, दूसरा सबसे ज्यादा डेथ जहां के मुख्यमंत्री राजकोट शहर से आते हैं, वो राजकोट शहर जहां पहली बार 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हाउस के मेंबर आज के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सीट वजूभाई वाला से खाली करवा के जहां से चुनाव जीते थे, पहली बार किसी हाउस के मेंबर बने थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी राजकोट में अहमदाबाद के बाद सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है। तो इसके ऊपर हम चिंता जताते हैं और इसके ऊपर सही दिल से अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो भावुक होके वहां जो काम ठीक करना है वो करना चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री को गुजरात में गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जीवन और मृत्यु हम कहते हैं ऊपर वाले के हाथ में है, पर जब आप सर्कुलर होते हुए भी, जब सारे एक्सपर्ट्स हेल्थ के कहते उसके आधार पर सर्कुलर निकलता है कि 3 मीटर का फासला दो बच्चों के बीच में होना चाहिए, वहां एक बेबी के पास दूसरी बेबी आप लगा देते हो और एक का इन्फेक्शन दूसरे को लगने की वजह से
हर रोज 20 से ज्यादा बच्चे मरते हो, उस मुख्यमंत्री को मॉरल एंड मोदी ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पर इंसानियत थोड़ी सी भी है तो उन्हें वहां से इस्तीफा देना चाहिए. एज यू हैव हर्ड टुडे द नंबर्स ऑफ द सिक न्यूबॉर्न बेबीज, समहाउ इट डजंट सीम टू look new, because when you talk about Gujarat's social indicators, you talk about Gujarat's healthcare system, you know that utmost insensitivity is shown to these issues. If there is a number of 15,000 newborn babies failing to live, I think the responsibility lies also on the state government to haul up these hospitals, to haul up these healthcare facilities. And very, very surprising, but not surprising, that the Honorable Chief Minister is absent on such situations. The Women and Child Commissioner or the Women and Child Development Ministry is also absent. No state agencies come forward, whether it's a human rights agency, to come forth and ask what are the reasons. And we are still talking about the sensitivity of the Honorable Prime Minister or the Honorable Home Minister, who needs to come forth, at least visit these areas and find out what are the issues in these hospitals. But I think expecting their visit or expecting a statement or expecting any sensitivity from these two high-placed persons, I think the past history or track record of Gujarat shows that small kids have died in private hospitals also. In a state where a state boasts of hospital tourism and you have super specialty hospitals, forget about general hospitals which have not been created or established by the current dispensation in Gujarat. It is least expected that they would come, they would care for these newborn babies. And that is why we need to bring to the nation's notice that this is a question that was asked in the Legislative Assembly. What is happening to the sick newborn children? Are you maintaining the norms that are set? And no answer is coming forth. And the answer that has come forth is yes, 15,000 kids, babies have lost their lives. This shows the grim picture of Gujarat, which is shown as a developed model, but the social indicators speak otherwise. देखिए पिछले तीन दिन से कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है सदन के अंदर और सदन के बाहर कि दिल्ली रॉयट्स के ऊपर खुल के बहस हो. आखिरकार कौन सी ऐसी बात थी कि करीब करीब 50 लोगों की मृत्यु हुई है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन भड़काऊ भाषण लगातार दे रहे हैं, वो कौन ऐसे मंत्री हैं जो लगातार भड़काऊ भाषण दे के लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली के एक हाई कोर्ट के जज का इसी मुद्दे पे जो हम ओवरनाइट ट्रांसफर हो जाता है, इन तमाम चीजों के लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो राइट्स जो दिल्ली में हुए हैं उसमें किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही है सरकार को. ना तो गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, ना प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, बल्कि हम लोगों ने बोला कि एक बहस हो जाए उसके ऊपर, उसके बाद जो नॉर्मल बिजनेस होगा हाउस का उसको हम चलने देंगे. उसके बावजूद भी सरकार किसी भी सीरियसनेस दिखा नहीं रही है. वो कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मलसी रेस्टोर नहीं होगी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी करके ये सदन के अंदर कह रहे हैं. सदन के बाहर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल शांत है, नॉर्मलसी रेस्टोर्ड हो गई है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है. तो या तो जो बाहर बोल रहे हैं वो सच है, यानी तो अंदर जो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं वो सच है. दोनों में एक होना चाहिए. ये बाहर कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं. हमारी पार्टी के और सारे अपोजिशन पार्टीज की ये इसके ऊपर कंसेंसस है कि जब तक इस सदन में दिल्ली राइट्स को लेकर डिस्कशन नहीं होगा हम सदन चलने नहीं देंगे. देखिए लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किसकी सरकार बने, और लोकतंत्र में कुछ मर्यादाएं होती है. पर आप गुजरात देख लो, आप कर्नाटका देख लो, आप और जगह पे देख लो, गोवा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, काला धन इनके पास इतना पड़ा हुआ है. काला धन के नाम पे नोटबंदी करके बीजेपी की ट्रेजरी मालामाल हुई है, और उसी काले धन के साथ जो चीज जायज लोकतंत्र में नहीं होती है उनका इस्तेमाल करके लोग जिस पार्टी की सरकार चाहते हैं उस पार्टी की सरकार तोड़ने का पाप यही दोनों बैठे हुए लोग उनके इशारों पे कर रहे हैं. पर मुझे पूरा विश्वास है कि
ये इसमें मध्य प्रदेश में सफल नहीं होंगे। ये जिस तरह की साजिश कर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के जब विधायक को तोड़ा गया तब भी जो ऑब्जर्वेशन किए थे, उससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जब ऐसी साजिश हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किए थे, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी भाजपा के नेता में थोड़ा सा भी सम्मान है तो ये करते नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बावजूद ये जो साजिशें कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टॉप मोस्ट जुडिशरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसी हरकत करने वाले को सीधी फटकार लगाए। संवैधानिक संशोधन हुआ कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, पैसों से ऐसी चीजें ना हो, पर जैसे कि मोदी शाह जोड़ी का ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान के वो चलते हैं और ये काम करते हैं। कहते हैं कैडर बेस पार्टी, कहां है आपकी कैडर, कहां है आपका बेस? जनमत तो आपके खिलाफ आ गया, तो क्या धन के बेस पे, पावर के मिसयूज के बेस पे आप सरकार तोड़ने का जो काम करते हो? देश की जनता आपको देखती है, कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है, आगे इसका जवाब देना होगा। मध्य प्रदेश के हमारे नेता और यहां से हम इसके ऊपर आगे आपसे बात करेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो इनकी पैसे और पावर के दम पे सरकार तोड़ने की साजिशें हो रही है वो लोकतंत्र में काला धब्बा है और मध्य प्रदेश में वो सफल नहीं रहेंगे।